사랑해주신 많은 분들께 정말 죄송하다는 말씀 꼭 드리고 싶습니다. 그리고 다시 한번 죄송하다는 말씀. BTS 그룹 멤버 슈가와 함께 जब से ड्रिंक एंड ड्राइव इंसिडेंट हुआ है तब से कोरियन मीडिया शुगा के पीछे पड़ी है और शुगा की मुसीबत कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। और अभी ये अपडेट आई है कि शुगा को पुलिस स्टेशन पर बुलाया गया और उनसे पूछताछ करी गई। लेकिन जिस दिन शुगा पुलिस स्टेशन पर जाने वाले थे उस दिन सभी मीडिया वाले सुबह से ही वहां पर जमा हो गए और शुगा का इंतजार करने लगे, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि शुगा कितनी बजे वहां पर आने वाले हैं। लेकिन शुगा शाम को वहां पर पहुंचे और शुगा YG एंटरटेनमेंट कंपनी की कार में आए थे। जब शुगा बाहर निकले तो सभी ने उनकी फोटोज लेना शुरू कर दिया और जब शुगा पुलिस स्टेशन से बाहर आए तो सभी रिपोर्टर ने सवाल करने शुरू कर दिए। तो शुगा ने सबसे पहले बोला कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं क्योंकि मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई है, और उन सभी लोगों से भी सॉरी बोला जिनको उन्होंने निराश किया है। उस समय शुगा काफी सैड नजर आ रहे थे। इसके बाद शुगा वहां से रवाना होकर चले गए। लेकिन अब देखना यह है कि कोर्ट का क्या फैसला आता है। और BTS आर्मी शुगा को सपोर्ट करने के लिए कमेंट बॉक्स में #शुगा जरूर से लिखना।